नमस्कार दोस्तों, ग्रीन नेचर चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये प्लांट अंजीर का प्लांट है और इसमें काफ़ी सारे अंजीर लगे हुए हैं। आप ये अंजीर जो है पूरी तरह से पक चुका है, ये खाने के लायक है और ये भी पूरा पक चुका है। ये पकने के बाद इस तरह से पूरे रेड कलर के हो जाते हैं, डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। बाकी ये भी कच्चे अंजीर हैं और ये इसकी आप लीफ देख सकते हैं। ये जो अंजीर है इसको कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। उत्तराखंड में कई जगह पे इसको बीड़ू के नाम से भी पुकारते हैं और इसमें कई प्रजातियां मिलती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसका साइज़ बड़ा होता है लेकिन वो अलग प्रजाति का होता है। लेकिन जो असल में असली अंजीर है वो यही अंजीर है जो ये छोटी साइज़ का होता है और इसको हम जंगली अंजीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो प्लांट हैं वो अपना ग्रो कर जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसको तोड़ के, ये देखिए इसके अंदर किस तरह से ये एकदम पे लाल, इतना अच्छा इसमें रस और भरपूर मात्रा में इसमें वाटर, शुगर, फाइबर, कई इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन के, पोटाशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम इसमें एक साथ होता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ जो कि हड्डियों से संबंधित है उसमें ये बहुत ही काम का फ्रूट है और इसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी होती है। तो ये उत्तराखंड में और पहाड़ी क्षेत्र में कई जगह में बहुत ही अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। हाँ, तो दोस्तों इस तरह इस प्लांट में बहुत सारे अंजीर अभी लग रहे हैं और इसमें और भी बहुत प्रजातियां हैं और इसका पेड़ की हाइट जो है काफ़ी ऊंची तक हो जाती है। इसमें ये प्लांट जो है यहाँ पे है, ये लगभग कम से कम 15-20 फुट ऊंचा प्लांट है। अब मैं दिखाता हूँ और ये देखिए काफ़ी ऊंचा प्लांट है, इसमें कई अंजीर और भी लगे हुए हैं। ये आप इसमें अंजीर देख सकते हैं, बहुत ऊपर हाइट तक इसमें अंजीर लगे हुए हैं, कुछ पके हैं कुछ पक रहे हैं। ये गर्मियों के टाइम पे बरसात के सीज़न में ये पकना चालू हो जाता है। और मैं आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ इसका, और ये दूसरी प्रजाति का अंजीर का प्लांट है। उसके पत्ते देखिए, इसके काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं और इसमें इसकी स्टेम्स में ये फ्रूटिंग करता है, गुच्छों में इसकी फ्रूटिंग होती है और पकने पर इसके अंदर से भी शहद की तरह निकलता है। लेकिन इसके अंदर कई बार उड़ने वाले मक्खियाँ से निकलती हैं छोटी छोटी सी, लेकिन ये भी अंजीर की प्रजाति है और इसके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। जो अंजीर मैंने आपको पहले दिखाई थी उसी तरह इसके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, लेकिन ये सारा अंजीर जो है स्टेम्स में इस तरह से गुच्छों में ग्रो करता है और ये पकने के बाद इसके अंदर से भी शहद की तरह निकलता है। देखिए ये काफ़ी पुराना पेड़ है ये भी, और इसमें ये नीचे से ही इसमें गुच्छों में निकले हुए हैं। अभी देखिए ये अंजीर कुछ इस तरह से पक चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर से भी ये शहद की तरह निकलता है, ये पका हुआ अंजीर है और हम इसको इस तरह से खा सकते हैं। तो ये भी अंजीर की प्रजाति है। जो मार्केट में जो अंजीर मिलता है वो ड्राई अंजीर होता है, वो इसी को ही प्रोसेस करके सुखा के और उसको प्रेस करके तो वो मार्केट में ड्राई फ्रूट के नाम से, अंजीर के नाम से आपको मिलता है। तो दोस्तों ये दूसरी प्रजाति है। तो इसी तरह इसमें कई प्रजाति के इसमें अंजीर के प्लांट हैं और ये तीसरी प्रजाति है फिक्स अंजीर की। इसके पत्तों में आप देखिए इसके पत्तों की सेप किस तरह से त्रिशूल के आकार के सेप है और कुछ पत्ते इसके इस तरह से नुकीले टाइप के इसके पत्ते हैं, और जो मैंने पहले इससे पहले प्रजाति दिखाई थी उसके राउंड में थे, इसके नुकीले में वो है। लेकिन ये भी अंजीर का प्लांट है और ये भी काफ़ी छोटा प्लांट है, अभी इसको 5-6 महीने हुए हैं इस प्लांट को लगाए हुए और इसमें ये एक फ्रूटिंग भी चालू हो गई है। अभी ये कच्चा इसमें फिक्स लगा हुआ है इसमें और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लगभग सभी में एक ही होती है जो कि मैंने पहले और प्रजातियाँ दिखाई हैं। लेकिन जो जंगली वाली प्रजाति थी उसमें कुछ ज़्यादा वो होती है, क्योंकि असली अंजीर का प्लांट वही होता है। और इन प्लांट्स को हम ग्राफ्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ग्राफ्ट द्वारा और कटिंग के द्वारा, और इसके जो सीड्स होते हैं सीड्स से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसको
पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और ये इजीली ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।